मोबाइल बड़ा वाला फोटो लेना फोटो लेना नाश्ता में कुछ बा चेहरा बना दो खत्म हो गए ओकरा फिट होवा टी डी एम होला हियो ओकरा के वाला लेना पीछे होला कने हो जा हां जा जा भैया आ जा आ जा ये जल्दी ना हां ये भी आ गया मारे लोग मत मारे लोग मत निकाल बाहर मान शीशा सब फूट हो सके अरे तू पीछे चल ना हमारे स्टाफ को भी मार दिया है उसमें उसका भी बहुत काफ़ी डैमेज है सदर अस्पताल हम लोग भेजे हैं और यहाँ पर भी 5-6 की संख्या में घायल है और एक महिला भी घायल है और काफ़ी नुकसान भी हुआ है। प्रशासन जो अपने स्तर से कार्रवाई कर रहा है हम लोग देख रहे हैं अपने स्तर से। उन लोगों का कहना है कि ड्राइवर जो नशे की दूर अब ये तो हमें जानकारी नहीं है।
ये हमें जानकारी नहीं है, इसकी पुष्टि तो थाने से हो। बिहार सरकार दावा करती है नशा मुक्त बिहार, लेकिन देखा जाए सरकारी कर्मचारी यहाँ नशे के धूत में रखते हैं। नशे के धूत में है या नहीं है ये तो जांच का विषय है, थाना कराएगी। लेकिन इतना जरूर हम बोलेंगे कि जब पुलिस लाइन से मारते हुए आ रहा है यहाँ तक, तो उसकी या तो मानसिक संतुलन खराब हो चुकी होगी या तो नशे के धूत में होगी, ये दो ही चीज हो सकता है। नाम बताना। मेरा नाम अमरेंद्र कुमार। अभी ब्लड बहुत आता है ना, ब्लड बहुत ऊपर से दिमाग से खड़ा हूँ भाई। स्टेशन से आ रहे थे, बोलो। टेम्पू चालक हूँ, उधर से आ रहे जज कोठी पैसेंजर उतारा, एक पैसेंजर उतार के चल दिया, जा रहे थे धीरे, अभी मतलब जान ही रहे हैं कितना भी अच्छी में जाएंगे, भीड़ है तो। इसके बाद उधर से एक पे एक आकर मार दिया। कौन था? स्कॉर्पियो वाला मार दिया। क्या कुछ स्पॉकिंग लिया थी क्या? क्या स्पॉकिंग या नशे धुत में क्या था? कौन नहीं हम पहचान। दारू पिया है? बोलो। दारू पिया है। दारू पिया। कितने लोग आप लोग घायल? तो उसमें सवारी 3-6 8 थे टेम्पू में, 8 लोग घायल। 8 वो मैं घायल हम नहीं देखे हैं, कब हुआ है? 4-5 में यहाँ पर है। हम तो बेहोश पड़े, हम तो बेहोश था, जता गए। एक्सीडेंट हुआ तो आप कहाँ थे? स्टेयरिंग पर थे, गिर गए, जता गए ना, स्टेयरिंग में जताया। बेहोश हो गए थे। ड्राइवर है? नाम बताइए। प्रमोद केसरी। क्या आप टेम्पू चला? जी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार कह रहे हैं कि भाई हम नशा मुक्त बिहार बना रहे हैं, नशा रोक रहे हैं, शराबबंदी की घोषणा करते हैं और कहते हैं कि हर थाने के इंचार्ज इसके जवाबदेह और जिम्मेवार होंगे। लेकिन आप देखेंगे कि आज किस तरह से सरकारी कर्मचारी, सरकारी पदाधिकारी का चालक, TDM का चालक जो चनवा में मारता है, मौलाबाग में मारता है, धक्का मारता है, और आप देखेंगे कि जज कोठी के ठीक सामने टेम्पू से सवारी से लदी हुई टेम्पू को ठोकर मारता है और कई लोग जख्मी हो जाते हैं, 8 लोग जख्मी हैं। दूसरी तरफ नीतीश कुमार का यह जो दावा था नशा मुक्ति का, आज उनके ही पदाधिकारी उसका माखौल उड़ा रहे हैं और आप देख रहे हैं कि ये लगातार गरीबों पर हमला कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने नशा मुक्ति के सवाल पर पूरे बिहार में एक भी दारू माफिया को गिरफ्तार नहीं किया, एक भी बड़े अधिकारी को नहीं पकड़ा। लेकिन आप देखेंगे कि छोटे छोटे गरीब हैं, दलित हैं, महादलित हैं, मुसर जाति के हैं, उनको पकड़ करके ये लोग जेल में डालते हैं, उनको सजा कराते हैं। लेकिन बिहार में आज दारू आम हो गई है और होम डिलीवरी उसका चालू है, पूरे बिहार का सत्यानाश हो रहा है। आज आप देखेंगे कि एक तरफ विकास की बात कही जा रही है, दारू मुक्ति की बात कही जा रही है, लेकिन TDM के अधिकारी और उससे पहले नगर निगम के पदाधिकारी भी के ड्राइवर से दारू पीते हुए पकड़े जा रहे हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि आज अगर बढ़िया से जांच कराई जाए तो हर थाना, हर पदाधिकारी दारू के नशे में धुर्त है और उसके पदाधिकारी उसके मैंने अपने अधिकार के दुरुपयोग हो रहा है। और नीतीश कुमार का यह दावा नशा मुक्ति का, दारूबंदी का पूरे बिहार में विफल हो चुका है और ये एक झुंझुना दिए हुए बिहार को। अब दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि हम समाज में एक दहेज प्रथा बंद करेंगे, एक समाज सुधार की बात करते हैं। और बिहार में आप देखिएगा कि सड़कें उखड़ी पी हैं, सड़कें बिखरी हैं, बिहार का विकास नहीं है। स्वच्छता मिशन की बात करते हैं मोदी जी, और आप देखिएगा कि गरीबों को जमीन के टुकड़ा नहीं है जिससे कि वह अपना
शौचालय बना सके, और इस तरह से पूरे देश के अंदर चाहे मोदी जी की राज हो या नीतीश सर, पूरी तरह से आज 8 लोग जख्मी हैं, हॉस्पिटल में अपने जान जोखिम के देकर इलाज करवा रहे हैं लोग, इसके पुलिस अधिकारी कुछ ध्यान नहीं दे रहे। देखिए, हम कह रहे हैं कि पूरा जिला प्रशासन इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा है, और जिला प्रशासन पूरी तरह से विफल है, पुलिस प्रशासन विफल है, और पूरी नीतीश सरकार विफल है। लोगों के जान माल की रक्षा के से उनको कोई लेना देना नहीं है, बल्कि एक ढकोसला और ठोंग रच रहे हैं, पूरे बिहार की जनता को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दारू मुक्ति के नाम पर, दारू उन्मूलन के नाम पर, नशा मुक्ति के नाम पर हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। हम कहना चाहते हैं कि अरे नीतीश कुमार जी, अगर आप सही मायने में बिहार को नशा मुक्त करना चाहते हैं, तो बिहार के जितने भी बड़े बड़े दारू माफिया हैं, बड़े बड़े जो फैक्ट्री पकड़े जा रहे हैं, उनके अधिकारियों को, उन बड़े लोगों को पकड़ करके जेल में डालिए। तो ऐसा नहीं करेंगे, मुसहरों को जेल में डालेंगे। दोषी किसको मानते हैं आप इसमें? बिहार सरकार को और उनके आला अधिकारी को, पूरी 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 पूरे भोजपुर के प्रशासन को, बिहार के प्रशासन को, ये जिम्मेवार है और जवाबदेह है। अभी यहाँ के नवा थाना प्रभारी पहुंचे हुए, अभी तक कुछ एक्शन नहीं लिए, खाली गाड़ी कैसे छोड़ दिया गया? सही बात है कि उनको एक्शन क्या लेंगे, वे लोग तो दारू माफियाओं से पैसा लेते हैं और उसके गोद में खेलते हैं, और जो लोग दारू माफियाओं के गोद में खेलते हैं वो क्या एक्शन लेंगे? वो पदाधिकारियों को बचाने में लगे रहते हैं, वे पदाधिकारियों को बचाते हैं और दूसरी तरफ गरीबों को जेल में डालते हैं। क्या माना जाए, सरकारी कर्मचारी छोड़ दिया जाए? नहीं, हम कहना चाहते हैं कि अगर नीतीश कुमार जी की अगर थोड़ी भी संवेदना है, तो ऐसे पदाधिकारियों पर तत्काल फास्ट ट्रैक के तहत मुकदमा चला करके उसको सजा कराएं, तब पता चलेगा कि अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है, और नहीं तो गरीबों के खिलाफ नीतीश कुमार का अभियान है। कब नीतीश, कब बिहार सरकार को, कब आँख खुलेगी नीतीश नशा मुक्ति वाला? नशा मुक्ति का बिहार के, बिहार सरकार को आँख खुलने वाली नहीं है, इसलिए कि बिहार की सरकार के गालों पर बिहार की जनता जब तमाचा मारेगी, उसको सत्ता से बाहर करेगी, तब उसको होश ठिकाने आएगा। नाम बता दीजिए। क्यामुद्दीन अंसारी, भाकपा माले, बिहार राज्य कमेटी सदस्य।